पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु, मां मरियम की जय। सचमुच में मां मरियम जैसे हम देखते हैं क्रूस के नीचे, प्रभु यीशु क्रूसित यीशु के नीचे दुखित होके खड़ी है, उस समय में प्रभु यीशु मां मरियम को हमें दिया है। इस पवित्र घड़ी में प्रभु यीशु ने मां मरियम को हमको दिया है और बताया कि मां ये आपके पुत्र है और शिष्य को देख के ये आपकी माँ है। उसके द्वारा सारे दुनिया के लोगों के लिए प्रभु यीशु ने अपने माँ को हमारे लिए दिया है, ताकि हम लोग समझें कि मां मरियम हमारे जीवन में कितना बड़ा कार्य कर सकती है। क्योंकि मां मरियम के बिना हम लोग एक अनाथ हो जाएंगे, इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि प्रभु यीशु के बिना भी कलीसिया को सिखाने वाली और सही मार्गदर्शन वाली मां मरियम है। इसलिए प्रभु यीशु ने मां मरियम को दिया। इसलिए हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 1:14 में पढ़ते हैं, वे लोग प्रार्थनामय जीवन में मां मरियम के साथ रहते थे और वो पेंतेकोस्त के लिए मां मरियम उनको तैयार कर रही थी, ताकि जब पवित्र आत्मा आएंगे उनको स्वीकृत करने में उनको संघर्ष ना हो। और मां मरियम हमेशा उनके साथ रह के प्रार्थनामय जीवन बिताती थी। सचमुच में ये मां मरियम का बहुत बड़ा हाथ है कलीसिया को बढ़ावा देने में और कलीसिया को सुसमाचार प्रचार के लिए तैयारी करने में और हर तरह के लोगों को इस कलीसिया में लाने के लिए मां मरियम का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये मां मरियम का बहुत बड़ा कार्य है और जहां कहीं मां मरियम अपना दर्शन दिया है और वहां पे हमेशा मां मरियम बताती है कि प्रभु यीशु को प्यार करो और उनका प्रचार करो। और प्रचार करने में मां मरियम अपना बहुत बड़ा भूमिका निभाती है और हर पुरोहित उनकी माँ होने के नाते जो पुरोहित मां मरियम को अपना माँ बनाते हैं, मां मरियम हमेशा उस पुरोहित को संभालती है। उन लोग कितना भी गलत हो जाएं, फिर भी मां मरियम फिर से उन्हें वापस लाती है, सही मार्ग दिखाती है। और सचमुच में मैं मेरे जीवन में देखा कि प्रार्थना के कारण मरने वाला व्यक्ति बहुत शांति से मर सकते हैं। और सचमुच में मां मरियम लोगों को तैयार करती है स्वर्ग जाने के लिए। मैं मेरे अनुभव से बता सकता हूँ, मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों मृत्यु के समय में बिना संकोच के, बिना दुख दर्द के बहुत शांति से दोनों इस दुनिया से विदा लिए हैं और किसी को भी दुख दर्द नहीं दिया, परेशान नहीं किया। बहुत आराम से मेरी माँ दोपहर को खाना खा के जैसे लेटी थी और लगभग 3 बजे ऐसे लोग पास में बैठ के बातें कर रहे थे, अच्छे से बात करते हुए मेरी माँ लेटी थी, ऐसे ही सो गई। और मेरे पिताजी भी सुबह ऐसे ही नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करते करते आराम से, किसी से कुछ तकलीफ नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, आराम से चल बसे। और इसका कारण मैं जरूर विश्वास करता हूँ कि मां मरियम का संरक्षण और मां मरियम का प्रार्थना। और सचमुच में मां मरियम हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाती है और जरूर इस कलीसिया को सही रास्ते पर चलाती है। क्योंकि मां मरियम इस दुनिया में उस पुत्र को लाने में मुक्तिदायक कार्य में हमारे लिए मदद करी है और वैसे ही हर परिवार में मां मरियम अपना संरक्षण देती है, सिखाती है, मार्गदर्शन करती है, रास्ता दिखाती है। उसके द्वारा हमेशा मां मरियम कलीसिया को बढ़ावा देती है और आज भी हम लोग देखते हैं जहां जहां मां मरियम का तीर्थ स्थल है वहां कितने लोग हर प्रकार के संकट से उनके पास आते हैं और मां मरियम उनको आश्वासन देती है, आशीर्वाद देती है और प्रभु यीशु से उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें आशीष देती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने से क्या फायदा, मां मरियम के पास जाने से क्या फायदा, लेकिन विश्वास के साथ जो लोग मां मरियम के पास आते हैं उनको सभी सफलता मिलती है। जब मैं इस बार वेलांगनी
रास्ता में चल रहा था, वहां पे रास्ता में एक स्त्री हमसे बातें करते आई, क्योंकि रास्ते में मेरे साथ चलने वाले कुछ लोग बोले, फादर आप एक प्रार्थना शुरू कीजिए। तो मैंने प्रार्थना करते हुए रोजरी करते हुए हम लोग उनके साथ चल रहे थे, और रोजरी खत्म होने के बाद वो स्त्री मेरे पास आके, आप फादर है क्या? मैं बोला हाँ। तो उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताई कि इस साल मैं विशेष रूप से इस यात्रा में आई हूँ ताकि मेरे पति का आंख का रोशनी खत्म हो गया है, वो नहीं देख पा रहा है। यदि वो काम पे नहीं जा पाएगा तो हमारा परिवार का क्या होगा? वो बड़ाई का काम करता है, वो नहीं कमाएगा तो हमारे परिवार को कौन देखभाल करेगा? इसलिए मैं माँ मरियम के संरक्षण में आके उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। तो जैसे जैसे मैं आज छठवां दिन चल रही हूँ और चार दिन का रास्ता है, घर से फोन आया है, मेरा पति थोड़ा थोड़ा देखने लगा है। और वास्तव में वो यात्रा खत्म होने के बाद वो बताई थी कि हम लोग प्रार्थना करके क्रूस रास्ता करने के बाद वापस आके ये रोजरी माला निकालते हैं। उस समय वो स्त्री बताई, फादर आपके प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा पति अच्छा हो गया है, उनका रोशनी वापस मिल गया है। तो ये सचमुच में माँ मरियम का चमत्कारिक रूप से जहाँ जरूरत है वहां पे वो प्रार्थना में हमारे उनके पास जाने वालों को हमेशा ईश्वर से आशीर्वाद दिलाती है। और माँ मरियम सचमुच में हमारे जीवन का गाड़ी को चलाने में एक अच्छा ड्राइवर के रूप में हमारे साथ आ सकती है। वो जब माँ मरियम हमारे गाड़ी को चलाएगी, कभी भी कहीं भी कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम है कहाँ कैसे ले जाना है, कहाँ तेज चलना है, कहाँ धीरे चलना है, कहाँ पूरा सुरक्षा के साथ चलना है, यहाँ इनको संभालना है, सब कुछ माँ मरियम को मालूम है, क्योंकि उनका अनुभव ईश्वर के साथ बहुत बड़ा अनुभव है। इसलिए माँ मरियम कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं कर पाई, क्योंकि हर समय उनका जीवन प्रार्थनामय जीवन था। इसलिए प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करते समय जब ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं तो उन लोग गलत रास्ता में ना जा सकते हैं। इसलिए माँ मरियम अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं कर पाई, क्योंकि हमेशा उनके चिंतन में ईश्वर का आशीष, उनका परिपूर्ण आशीर्वाद अनुभव करती थी। और हर एक चीज को प्रयोग करते समय, पानी पीते समय उनको लगा ये ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसमें ईश्वर का आशीष है, इसको पीने में मुझे ताकत मिलेगी, मुझे मेरा प्यास बुझ जाएगा और ईश्वर को स्तुति करेंगे। तो माँ मरियम ऐसे ही हर चीजों को प्रयोग करते समय जीवन के हर कठिनाइयों में ईश्वर को धन्यवाद दी। एक फल को खाते समय ईश्वर ने यह फल को मेरे लिए बनाया, इस फल में ईश्वर का आशीर्वाद है, इस फल में ईश्वर का बनाया हुआ स्वाद है, उसको अनुभव करते हुए ईश्वर को स्तुति महिमा करती थी। इसलिए वो कभी भी पाप में नहीं गिर सकती थी, क्योंकि प्रार्थना का बल माँ मरियम के साथ था। और माँ मरियम अपने पवित्र जीवन में, अपने प्रार्थनामय जीवन में हमेशा हर लोगों को साथ लेने के लिए कोशिश करी है। और विशेष रूप से कलीसिया की शुरुआत में प्रभु यीशु के शिष्यों को और उनके कुटुंबी स्त्रियों को एक साथ माँ मरियम उस ऊपर वाला कमरा में रख के प्रार्थना करती थी, उनको सिखाती थी, आशीर्वाद देती थी और उनको पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए हर प्रकार के तैयारियों में उनके साथ लगी रहती थी। इसलिए जब पवित्र आत्मा उतरा उन लोगों के पास, उन लोग बहुत अधिकार के साथ बिना डर के बाहर जाके सुसमाचार प्रचार करने शुरू किया, और उसके कारण आज भी कलीसिया पूरा दुनिया में फैल रही है और फैला हुई है और भी फैलेगी। इसके कारण महत्वपूर्ण जीवन माँ मरियम का जीवन है, उनका आशीषमय जीवन, उनका संगति में रहने के कारण आज भी कलीसिया आगे बढ़ रही है। हम देखते हैं कि हर संत पापा लोग जो भी कुछ चिट्ठी लिखते हैं, कुछ भी पुस्तक लिखते हैं, उसके आखिरी में माँ मरियम के लिए एक छोटा सा प्रार्थना बनाते हैं, उसके बिना हम लोग अंदर नहीं करते हैं। इसके द्वारा हमको लगता है, पता है कि माँ मरियम के द्वारा कुछ भी अंध नहीं हो सकता है। माँ मरियम ही हमारा जीवन का अंत में जब हमारे साथ रहेगी तो हम लोग सही मार्ग पर चल सकते हैं, और हमारा जीवन अंत में भी स्वर्ग में ले जाने के लिए माँ मरियम हमारे साथ रहेगी। इसके साथ मैं माँ मरियम के साथ प्रार्थना करते हुए
आप लोगों के लिए आग्रह करता हूँ, विशेष अनुभव कीजिए। माँ मरियम की प्रार्थना आप लोगों के साथ रहे और हमेशा माँ मरियम का आशीष हमारे ऊपर गिरते रहे और पवित्र आत्मा की शक्ति से हम माँ मरियम के प्यार अनुभव ममता को अनुभव कर सकें। जय यीशु, माँ मरियम की जय, सबों को आशीर्वाद पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।